हम सब जब दुखी होते हैं तो बस हम अपने ही अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, हम बस यही सोचते हैं कि बस हमारे कोई कठिनाई हो रही है, हमारे कोई मजबूरी हो रही है, लेकिन असली में दूसरे इंसान को भी समझने की कोशिश करिए। एक स्वस्थ रिश्ते के लिए ये बातें करें। क्या आपको अपने पार्टनर के साथ काफ़ी गलत फहमियाँ होती हैं कभी कभी? क्या आपको अपने साथी के साथ संवाद करने में कभी कभी कठिनाई होती है? नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी, मैं हूँ फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। एक स्वस्थ रिश्ते के लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने साथी के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं तो बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कोई भी समस्या का हल बातचीत से ही निकलता है। स्वस्थ बातचीत हर रिश्ते की एक नींव बन जाती है। आप अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है हमारे रिश्तों पे। अगर आप बेहतर संवाद कर सकते हैं तो आपके अपने साथी के साथ संबंध और मजबूत हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 4 तरीके ऐसे बताऊंगी जो आपको अपने विचारों को व्यक्त करने में मदद करेंगे। सबसे पहला, सही ढंग से अपनी बात रखें। कभी कभी हम अपने साथी से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बातों के पीछे छिपे हुए असल मतलब को समझें, लेकिन इस सोच पर निर्भर रहना या इसकी इच्छा भी रखना सच में उचित नहीं है। ये सोचने के बजाय आप अपने विचारों को सीधे तौर पर उनके सामने रखें और उसकी कोशिश करें। जब आप अपनी बात खुल के रखेंगे तो आपकी बात करने से और आपके सही बात करने के व्यवहार से आप देखिए आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और आप देखेंगे कि आप अपनी बात जब खुल के रखेंगे तो आपका साथी भी उसको समझने की कोशिश करेगा। अगला, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज़रूरी है, ताकि यह आपको बहुत काम आएगी। अपने साथी को आँखों में आँखें डालकर उनको उनकी तरफ अपनी बॉडी को झुका कर उनसे बात करें, उनके साथ अपनी बात ऐसे दर्शाएं अपने हाथों से कि ऐसे ना लगे कि आप उन पे उंगली कर रहे हैं। हम लोग जब कभी कभी अपने साथी से बात करते हैं तो हम ऐसे ऐसे करके बात करते हैं, तुमने ये करा, तुमने ऐसे नहीं करा, तुम हमेशा ऐसे करते हो। मैं चाहती हूँ आप अपनी बात खुल के करें और अपने हाथ खोल कर अपने हाथों को अपनी छाती के सामने बांध कर ना रखें। ना तो ऐसे ऐसे आप बात करें, बल्कि अपने साथी के साथ अपने हाथ खोल कर अपनी बात, दिल की बात खुल कर बोलें। विश्वास के साथ रखें अपने विचार। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस तरह से पेश आना है कि आप किसी के साथ कोई बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे ना दर्शाएं कि कमरे में आपका अधिकार चल रहा है, बल्कि इस जो भी परिस्थिति है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचिए कि आप उसको कैसे अच्छी तरह इज्जत से, मान से उसका सलूशन ढूंढ सकते हैं। बीच बीच में मुस्कुराइए, सावधानी से बोलिए और बिल्कुल भी ना हिचकिचाइए। जितने ज़्यादा सवाल कर सकते हैं वो सवाल करें, उससे पहले आप उंगली उठाएं और अपनी भावनाओं पर ध्यान से सोच के उनको बताएं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो आप खुल के अपने पार्टनर को बताएं। साथी की जगह खुद को रखें। कोई भी समस्या आती है, किसी भी विशेष परिस्थिति में आप अपने साथी का आपका क्या दृष्टिकोण है, आपके साथी का क्या दृष्टिकोण है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले खुद को उनकी जगह पे रखें, अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके ठीक तरीके से ये सोचें कि अगर मेरी जगह वो होते तो क्या सोचते या वो क्या करते। इस बात से भी वाकिफ रहें कि जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप ये जानकारी करें सवाल जवाब से कि उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या उनको कोई तकलीफ हो रही है, जब वो बोल सकें, जब आप उनसे प्रश्न करेंगे तो वो भी अपनी खुल की बात, अपने दिल की बात खुल के कह सकते हैं, ये कोशिश आपको करनी है। इससे आपको ये समझ में आएगा और कि उनका भी, उनके अंदर भी क्या चल रहा है और उनके अंदर भी कितनी परेशानी हो रही है और क्यों। आप जब गुस्से में रहते हैं हम सब जब दुखी होते हैं तो बस हम अपने ही
अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, हम बस यही सोचते हैं कि बस हमारे कोई कठिनाई हो रही है, हमारे कोई मजबूरी हो रही है, लेकिन असली में दूसरे इंसान को भी समझने की कोशिश करिए। आप अपने साथी से क्या पॉजिटिव रूप से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो आपको कोई प्रॉब्लम कर रहा है आप अपने नीचे अपने विचार हमें बताएं। अगर आप बेटर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं, पारिवारिक प्रेम को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हैप्पीनेस इज लव हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, ताकि आपको मदद मिले, आपको सहायता मिले और आपको वो प्रेरणा मिले, ताकि हम अपने रिश्तों और संबंधों को और मजबूत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।